आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ताशकंद सिटी के, जो बाकी कुछ बच गए थे इलाके। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अभी है 41 डिग्री। अभी बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर, लेकिन रात का टाइम मौसम ठंडा हो जाता है। इस चीज़ देखी, यहाँ पर है एम्बेसी ऑफ ओमान हमारे होटल के बिल्कुल पास। हमें पता ही नहीं था, हमने वॉकिंग की दूसरी तरफ कमर्शियल एरिया की तरफ, लेकिन यहाँ पर है ये ओमान की एम्बेसी बिल्कुल हमारे होटल के करीब। चलने के बाद होटल से हमें ये जगह मिली है, ये है नहर और जबरदस्त लग रही है। चलें अंदर चल के देखते हैं। रेस्टोरेंट है और जबरदस्त लग रहा है। ये ग्रैंड ओरिएंट होटल से 10 मिनट की वॉक पे है ये, मतलब बहुत ही करीब। एक सॉम भी खर्चने की आपको जरूरत नहीं और ये नहर आप देख सकते हैं। तीन दिन से हम इतना चल रहे हैं कुछ देखने के लिए और आज हमने गूगल पे देखा तो ये जबरदस्त जगह है, मैं नजर आई। और यहाँ पर आप इसकी आवाज सुने, मेरा ख्याल है शायद आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा मोबाइल में, लेकिन मुझे बहुत अच्छी आवाज लग रही है सुनने में। ओके, थैंक यू। ओके, श्योर। बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है। अच्छा, 41 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पर जो है बैठने के लिए उन्होंने, देखें आप, स्टीम भी आ रही है, मतलब ठंडा पानी जो है ऊपर से वो फेंका जा रहा ताकि गर्मी न लगे आपको यहाँ बैठने में। शाम को ये बहुत जबरदस्त जगह होगी, शाम को भी हम लोग आएंगे। कॉफी वगैरह मिलती है, ये भी से नहर है। तो ये रेस्टोरेंट है, इसका नाम है गुटेन के नाम से नाम है इसका, जर्मन रेस्टोरेंट है। और ये जर्मन रेस्टोरेंट है और ये इसका मेन्यू कार्ड है, तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल के थ्रू से। मैंने इसे पूछे कि अगर ऑनलाइन अवेलेबिलिटी हो मेन्यू की, तो ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, दिस इज अ लंच एंड व्हाट इज इट ईटिंग? अच्छा, ये सारा जो मेन्यू है ये सिर्फ डिनर के लिए है, ये सिर्फ डिनर। स्टार्टिंग टाइम 11 o'clock और 10 o'clock, फ्रॉम 12 to 4 o'clock। अच्छा, दिस इज लंच ओनली अवेलेबल फ्रॉम 12 to 4 o'clock। ओके फाइन, ये सिर्फ लंच के लिए है, ठीक है। 12 बजे से लेकर 4 बजे शाम जा रहे, तो रात के लिए? रात के लिए जो होल है ना। अच्छा, रात के लिए सब कुछ है। ओके फाइन। ओके, एंड व्हाट अबाउट द ब्रेकफास्ट? नो ब्रेकफास्ट अवेलेबल। ओके, ओनली लंच। ओके फाइन, इवनिंग। ओके ओके, सो दिस इज फॉर द लंच। This is only for the lunch. And this is for the dinner yes. As well. Okay, fine. Everything drinks. Okay. Thank you. It is basically a German restaurant. 3rd हिस्सा है वो, पीछे से मैं होते हुए आ रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर से, और अब हम जा रहे हैं इस रेस्टोरेंट के दूसरे हिस्से में। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम का भी यहाँ पर इंतजाम है, तो मेरा ख्याल है कि शाम को कोई कॉन्सर्ट वगैरह भी यहाँ पर होता होगा। ये साथ साथ हमारे ये नहर चल रही है, ये और ये सारा सेटिंग अरेंजमेंट। और अगर दिन में भी आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल गर्मी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर ठंडा पानी जो है वो अकेले स्टीम की तरह का जो है वो पड़ रहा है, जैसे आपको मक्का जाए या मदीना में पड़ रहा होता है। ये देखिए,
तो हमें अभी भी गर्मी नहीं लगी। कोरोना की वजह से ये रात 8 बजे तक से खुला रहेगा और उससे पहले पहले आपको आना है। और मैं आपको एक बात गारंटी से बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर आके बहुत एंजॉय करेंगे। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है ये होटल ग्रैंड ओरिएंट के पास, होटल ग्रैंड पैलेस के पास। आपको कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आए फैमिली के साथ बहुत इंजॉय करेंगे। क्योंकि हमने 2-3 दिनों से बहुत घूम लिया है, कह लें कि बहुत हमने क्वारी उठा ली है, लेकिन ऐसी जगह अभी तक नहीं मिली। मैं आपको ऊपर ला जाकर दिखाता हूँ। सलाम अलैकुम, हाउ आर यू? सलाम अलैकुम। ये कुछ हमारे कुछ दोस्त हैं। बहुत ही जबरदस्त सिटिंग एरिया है और व्यू देखें अब यहाँ से नहर का। वाओ, जबरदस्त। फैमिली है अगर आपकी और आपको अगर प्राइवेसी चाहिए तो उसके लिए भी बहुत जबरदस्त इंतजाम है। ये देखें, ये सेपरेट इन्होंने पोर्शंस बनाए हुए हैं। जबरदस्त।